हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास के अंदर क्या स्टडी की थी? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप सबको बहुत प्रॉपर वे में समझ आया होगा। आज हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है? तो डाटा के लिए हमारी एक सिंपल सी लैंग्वेज है, डाटा इज़ ए सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। फर्स्ट वन मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मीन्स किसी एक पर्टिकुलर वे से, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिकली सिस्टम से चल रहे हैं हम और रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करेंगे किसको? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकती हूँ ना कि प्रोडक्शन के बारे में जानना है, तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी हमारी क्रॉप्स है, जैसे कि पल्सिस हो गया है, वीट हो गया है, या जो भी बहुत सारी हमारी क्रॉप्स हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना है, तो मैं क्या करूँगी कि 2015 के अंदर 16, 17, 18, सो ऑन। तो मैं जो वीट की प्रोडक्शन है, इसमें मैं सिर्फ वीट की प्रोडक्शन रखूँगी। राइस की रखनी है तो राइस की, पल्सिस तो हम पल्सिस की प्रोडक्शंस को रखेंगे। ये नहीं है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी, आप हर चीज़ की एक स्पेसिफिक क्विंटल्स में या टन्स में जो भी होगा, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम इसके अंदर सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली मीन्स एक क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर सिस्टम से हम उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डाटा बन जाएगा। आ गई बात समझ आपको? सिस्टमेटिकली किसी भी रिकॉर्ड को रखना और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को रखना। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकती ना कि आप सिंस 1900 से आप डाटा को रिकॉर्ड करो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल क्या है, एक पर्टिकुलर मान लीजिए आप 5 ईयर्स का कर रहे हो, 10 ईयर्स का कर रहे हो, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक टाइम के वे बेस पे हम एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड को मेंशन करते हैं, दैट इज़ डाटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप सबको प्रॉपर समझ आया होगा। अब बच्चे, डाटा की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है प्राइमरी डाटा एंड सेकंड वन है सेकेंडरी डाटा। नेम से ही पता चल रहा है हमें, प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डाटा है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे को कोई स्टडी करनी है, कोई रिसर्च वर्क करना है, रिसर्च वर्क हमारा आ रहा है शेयर मार्केट पे, तो मैंने शेयर मार्केट के अंदर स्टडी करनी है। तो एक तो क्या है, मैं सीधा एक्सचेंज से कोई डाटा ले रही, अगर मैं कोई एक्सचेंज से डाटा ले रही हूँ तो उसके बेस पे जो डाटा मैंने सीधा एक एजेंसी से कलेक्ट किया है, एक कमेटी से लिया, या कोई जो एग्जिस्ट करता है, उस एग्जिस्ट डाटा को जब मैं ले रही हूँ तो वो कौन सा डाटा बन जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन मैंने कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को चूज़ किया, शेयर होल्डर्स को लिया और मैंने उनसे डायरेक्ट मीटिंग की और उनसे मैंने जो डाटा लिया उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी डाटा। जो मीन्स ऑलरेडी मेंशन नहीं था, जिसको किसी ने पहले कलेक्ट नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट से उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी डाटा। ओके, समझ आया आप सबको? तो उसको हम बोल देंगे प्राइमरी। एंड सेकेंडरी क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस के बेस पे आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस डाटा को ले लिया, तो उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी डाटा। सिंपल है। अब हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड डाटा के अंदर क्या होगा, हाई एक्यूरेसी, ऑब्वियसली हाई एक्यूरेसी होगी, और सेकेंड एंड डाटा के अंदर क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और फर्स्ट एंड डाटा हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा,
जबकि सेकंड हैंड डाटा तो क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमने किसी भी पार्टिकुलर एजेंसी से, मान लीजिए मैंने कोई म्यूनिसिपल कमेटी से ले लिया, कोई बर्थ रेट का डाटा लेना है या डेथ रेट का डाटा लेना है, तो वो मैंने कमेटी से लिया और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मैंने उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए वन बाय वन किसी पर्टिकुलर पर्सन से इंटरव्यू लेके और उसके बाद मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ, तो उस पर टाइम लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी डाटा हो जाएगा और ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन आ रहा है कि प्राइमरी डाटा के हमारे सोर्सेज क्या हैं, कि हम प्राइमरी डाटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का फर्स्ट वन है इंटरव्यू। इंटरव्यू के आगे टू टाइप्स हैं, पर्सनल इंटरव्यू यस नॉन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, जिसके अंदर हम फेस टू फेस टॉक कर सकते हैं, फेस टू फेस टॉक करते हैं। और इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, कि अगर मान लीजिए हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उसको हम अब रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग हम उस डाटा को चेंज कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस को ही पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को हम चेंज कर सकते हैं, मींस रिस्पोंडेंट को हम समझा सकते हैं कि हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं। वो चीज़ आ जाती है हमारी पर्सनल के अंदर। ओके बच्चे, और सेकंड वन है नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे टेलीफोनिक, मैं टेलीफोन पे आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो इसमें हम फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो उसका कौन सा हो जाएगा, नॉन पर्सनल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब मैं आपसे फ़ोन पे आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो ये कौन सी हो गई है, हमारी नॉन पर्सनल हो गई है। मींस मैं आपको फेस टू फेस देख नहीं सकती, तो दिस इज़ ए नॉन पर्सनल। बट ये इट इज़ नॉट इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा है। इंटरव्यू में हम क्या पूछेंगे उनसे, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उस फॉर्म में क्या बन जाता है, इंटरव्यू बन जाता है। इंटरव्यू में हम आपसे कोई ना कोई बात पूछती हूँ मैं आपसे, आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा के अंदर है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमने टू टाइप्स रीड किए हैं, पर्सनल और नॉन पर्सनल। ओके बच्चे, हाँ जी। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज सर्वे एंड क्वेश्चनेयर्स। सर्वे क्या होता है, सर्वे इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। कि सर्वे के अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। डाटा को ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होती है उसको हम बोल देते हैं सर्वे। या हम ये कह सकते हैं कि सर्वे के अंदर जो है वो कोई कंपलसरी नहीं है, कि सर्वे के अंदर तो हमेशा क्वेश्चनेयर इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि सर्वे के अंदर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के लिए हमें डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। डाटा किस वे से कलेक्ट करेंगे हम, क्वेश्चनेयर से कलेक्ट करेंगे ना। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें क्वेश्चनेयर का यूज़ होगा। इट मीन्स सर्वे के अंदर हमेशा क्वेश्चनेयर इंक्लूडेड होता है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चनेयर के अंदर सर्वे इंक्लूड हो। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक सेट होगा। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट वन तो हमने इससे पहले रीड किया था कि नॉन पर्सनल हूँ, तो मेरे को आपको किसी वे से मेरे को आपसे डाटा कलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मैं मान लीजिए इंश्योरेंस पे ही रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे आपसे डाटा चाहिए। तो अब मैं नॉन पर्सनल फॉर्म में आपसे डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए हम एक वे क्या होता है हमारा, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में मैं आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दूँगी, आपको एक रिटर्न फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और उस आपसे मैं इंश्योरेंस के बारे में उन क्वेश्चंस के बारे में इंश्योरेंस के क्वेश्चंस होंगे उनसे, और मैं आपसे वो सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो वो चीज़ क्या बोलते हैं, इसको हम क्या फॉर्मेट को क्या बोलेंगे, क्वेश्चनेयर।
आ गई आपको समझ? नेक्स्ट वन है कि इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंट, कि जो भी हमारा इंक्वायरी फील्ड है उसके अंदर हम अपने लोकल एजेंट्स को सेंड करते हैं, लोकल एजेंट्स को भेजते हैं, वो रिस्पॉन्डेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। लोकल एजेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्डेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर वो इन्फॉर्मेंट को भेज देते हैं। मीन्स हमने उनको हायर किया लोकल एजेंट को, तो उन लोकल एजेंट्स वो सारे के सारे, जैसे ये मेन इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है न्यूज़ चैनल्स, ठीक है। न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने हमारा ए सिटी, बी सिटी, सी सिटी लोकल एजेंट हायर कर लिए गए हैं। मान लीजिए ये ए सिटी है, ये बी सिटी और ये सी सिटी के अंदर हायर किए। मान लीजिए इलेक्शंस ही हो रहे हैं, अब इलेक्शंस का जो डाटा कलेक्ट करना है तो वो ए सिटी से, बी सिटी से, सी सिटी से डाटा कलेक्ट हो जाएगा और वो एक न्यूज़ चैनल के पास सारे का सारा डाटा सेंड कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट। आ गई बात समझ? तो इसको हम इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट कर देंगे। नेक्स्ट वन है स्केड्यूल टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। हमने पहले भी स्टडी की है एन्यूमरेटर। मैंने आपको क्या बोला था कि बिल्कुल स्मॉल एरिया के लिए हम एन्यूमरेटर रखते हैं। तो एन्यूमरेटर, इसके अंदर कोई मेन डिफरेंस नहीं है। एन्यूमरेटर क्या करते हैं, स्केड्यूल फिल करते हैं इसके अंदर एन्यूमरेटर। इनको एन्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं, अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले जो एन्यूमरेटर है उनको हम अपॉइंट करेंगे और जो भी हमारा फील्ड है उस फील्ड में हम उनको भेजते हैं। लेकिन मेन ये है कि ये जो क्वेश्चनेयर या जो भी हमने डाटा उनसे फिल करवाना है वो खुद फिल करते हैं। आगे क्वेश्चनेयर तो क्या होता है, हम रिस्पॉन्डेंट को सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्डेंट खुद उसको फिल करता है और वो हमें वापस भेज देता है। लेकिन एन्यूमरेटर जो है वो खुद रिस्पॉन्डेंट से डाटा इंफॉर्मेशन मांगेगा और वो खुद फिल करता है। तो उसको हम जो फिल करता है जिस चीज़ के अंदर, उसको हम बोल देते हैं स्केड्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बस यही डिफरेंस है उसके अंदर। क्वेश्चनेयर के अंदर रिस्पॉन्डेंट खुद सारा डाटा फिल करता है, जबकि एन्यूमरेटर के अंदर एन्यूमरेटर खुद फिल करेगा। आ गई बात समझ? वो रिस्पॉन्डेंट पे नहीं छोड़ता। तो ये स्मॉल एरिया के लिए हो जाता है स्केड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चनेयर्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चनेयर किस तरह का होना चाहिए। तो किस तरह का होना चाहिए क्वेश्चनेयर? फर्स्ट वन है स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली है कि एक मैं आपको क्वेश्चनेयर दे देती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का ही दे रही हूँ। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने आपको एक लिमिट क्वेश्चंस दिए तो आप फिल कर दोगे। अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चन देख के आप कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतने क्वेश्चंस फिल कर सकूं। तो इसलिए हमेशा स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और क्वेश्चनेयर्स क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और शॉर्ट में होने चाहिए। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि अगले पर्सन को समझ ही ना आ सके, और सिंपल होने चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज़ नो, सिंपल लैंग्वेज का और क्लियर होने चाहिए। वही सेम है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो या कोई एक पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम अपने पर्सनल क्वेश्चंस को हम प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी क्वेश्चनेयर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चंस शुड बी रेलेवेंट। अब मान लीजिए मैं इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चनेयर, इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ और आप इंश्योरेंस के क्वेश्चंस ना डाल के कोई और ही वे के क्वेश्चन डाल देते तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो गलत है। कि आप जब इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हो ना, आपने बोला कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से आई हूँ या मैं इंश्योरेंस पर रिसर्च कर रही हूँ, तो सिर्फ आप इंश्योरेंस के बारे में ही डिस्कस कीजिए। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप उसके अंदर नहीं पूछोगे जो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग यूजेबल नहीं है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है हमारा
क्वेश्चंस अरेंज्ड लॉजिकली, कि क्वेश्चंस का जो आप वे है जो अरेंज कर रहे हो उनको आप क्रोनोलॉजिकल वे में मींस लॉजिकली फॉर्म में करो। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको ये इंश्योरेंस वाला ही दे रही हूँ। सबसे पहले हम क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या आपने इंश्योरेंस करवाया है? आप बोलोगे यस। फिर मैं आपसे पूछती हूँ आपने किस टाइप का इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया जनरल इंश्योरेंस करवाया? आप मुझे बोलते हो जनरल इंश्योरेंस करवाया। जनरल इंश्योरेंस में आपने क्या करवाया? यही। फिर आप मुझसे पूछते हो कि आप, मैं आपसे पूछती हूँ आपने कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है? ये होता है एक फॉर्म। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछती हूँ कि आप कितना प्रीमियम पे करते हो, और उसके बाद मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि क्या आपने इंश्योरेंस करवाया है। तो ऑब्वियसली जब वो पर्सन प्रीमियम पे कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। तो इस तरह से कि आपको क्रोनोलॉजिकल मींस आपने लॉजिकली अपने क्वेश्चंस को अरेंज करना है, ओके? ताकि रिस्पोंडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो, आपके क्वेश्चंस को देने में उसको कन्फ्यूज़न ना हो, प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये तो सिंपल सा वे है कि आपने क्वेश्चंस अरेंज किए हैं कि कहाँ पे आपको डाटा को बोल्ड करना है, कहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स छोटे भी नहीं होने, स्मॉल लेटर्स भी नहीं होने चाहिए, कि मान लीजिए किसी की आई साइट वीक है तो उसको शो ही ना हो, ठीक है? तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, कि आपके सामने जब डाटा आता है तो आप उसको फील करो, आप बोरिंग मत फील करो। नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्शंस, कि क्वेश्चनेयर को किस तरह से फिल करना है, आपका रीज़न क्या है, आप किस रीज़न से हमसे ये क्वेश्चंस फिल करवा रहे हो, और किस तरह फिल करना है, क्या पूरी एक्टिविटीज़ मींस क्या सारे का सारा वे जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरी प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, ताकि रिस्पोंडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन है प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनेयर। बच्चे ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस। मान लीजिए इंश्योरेंस हम बहुत वाइड लेवल पे करवा रहे हैं, जो सर्वे है मैं बहुत वाइड लेवल पे करवा रही हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी कोई ले लेते हैं, बहुत टॉप कंपनी है, वो कोई सर्वे करवा रही है, लेकिन उस सर्वे को करवाने से पहले कंपनी क्या करती है, एक स्मॉल लेवल पे सर्वे करती है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चनेयर करवाना है 100% के लिए क्वेश्चनेयर फिल करवा रही हूँ, लेकिन 100% से पहले मैं एक पर्टिकुलर फील्ड एरिया ले लेती हूँ। मान लीजिए 10 रिस्पोंडेंट ले लेती हूँ, कि मैंने 10% से ये क्वेश्चंस फिल करवाने हैं। तो जब मैंने एक स्मॉल लिया ना, स्मॉल एरिया लिया है, स्मॉल एरिया से हमें क्या पता चल जाएगा कि वो हमें रिस्पोंडेंट अपना रिस्पांस देंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो उससे हम जब वाइड रिस्पॉन्ड एरिया में जा रहे हैं, उससे पहले हमें अपने क्वेश्चनेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सब डिस्कस कर सकते हैं, हमें सब पता चल जाएगी। तो बच्चे इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे। ये कई बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाता है कि पायलट सर्वे क्या होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर जब हम हाई लेवल पे ले जाते हैं उससे पहले हम एक स्मॉल लेवल पे क्वेश्चनेयर्स की टेस्टिंग करते हैं और रिस्पॉन्स चेक करते हैं, उसको बोल देते हैं पायलट सर्वे। ये आप सबको समझ आ गए ये वाले पॉइंट्स? एक क्या है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बच्चे जब क्वेश्चनेयर्स हम सेंड करेंगे, ठीक है, बाय पोस्ट करेंगे या किसी भी वे से करते हैं, तो उसके लिए हम हमारा कवरिंग लेटर में हम पर्पस लिखते हैं कि हमने ये क्यों किया, और साथ के साथ हम इसका सेल्फ एड्रेस कि आपने जब डिस्पैच करना है फिल करने के बाद तो इस एड्रेस पे करना है, तो वो सेल्फ एड्रेस और स्टैम्प ले सकते हो आप एग्जांपल कि स्टैम्प वगैरह इसके अंदर पहले से ही होगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कवरिंग लेटर बोल देते हैं। आ गई बात समझ? नाउ वी स्टडी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की टाइप्स हैं जो क्वेश्चनेयर में हम किस टाइप के क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, उसके अंदर फर्स्ट वन है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। बेटा अल्टरनेटिव क्वेश्चंस नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे या तो यस होगा या नो होगा, ठीक है? सिर्फ आपको
इस दो में ही आंसर देने हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या आपने इंश्योरेंस करवाया है, तो आप बोलोगे यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन। सेकंड वन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस में नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हो ब्रश क्लीन कर सॉरी टीथ क्लीन करने के लिए, तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑप्शंस डाल देते हैं, या फोर्थ वन और। ठीक है, तो उसको बोल देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थर्ड वन है स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैंने आपसे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछा, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑप्शन होगा कि प्लस वन, बी कॉम, सेकेंड ईयर, फाइनल, एम कॉम, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन है ओपन एंड क्वेश्चंस। ओपन एंड मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं आपसे आपके व्यूज पूछ रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी के लिए। ठीक है, इकॉनमी की स्टेबिलिटी के लिए आप क्या थिंकिंग रखते हो, तो उसके लिए आपने जब पूरे का पूरा आप मुझे समझा रहे हो, तो वो उसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, आप पूरा समझाते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन एंड इकॉनमी। नेक्स्ट वन है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि हम अभी तक हमने कौन से सोर्सेज रीड किए थे, प्राइमरी। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर फर्स्ट वन है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है उसको हम बोल देते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। फॉर एग्जांपल ले लीजिए बच्चे आरबीआई की रिपोर्ट, ठीक है, सेंसस रिपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पब्लिश होता है मैटर, उसको हम बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आ गई बात समझ, तो ये हो जाएंगे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। नेक्स्ट वन है सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन जैसे आप ले लीजिए म्यूनिसिपल कमेटी जब अपने डाटा, जैसे मान लीजिए बर्थ रेट है, डेथ रेट है, वो हमें चाहिए, तो हम म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा की पब्लिश किए हुए डाटा के साथ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन, तो इसके अंदर आप ले लीजिए रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग ने जो डाटा पब्लिश किया वो सारा इसमें आ जाएगा, रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। नेक्स्ट वन है प्राइवेट पब्लिकेशन। प्राइवेट पब्लिकेशन के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज ले लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज ले लो, बीएससी, एनएससी, तो ये जो अपना डाटा पब्लिश करते हैं वो सारे का सारा प्राइवेट पब्लिकेशंस के अंदर आ जाते हैं, तो इसको हम बोल देंगे प्राइवेट पब्लिकेशन। ये सब हमारे बन गए हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। आई होप आप सबको समझ आया होगा, आज मैंने आपको पूरे के पूरे सोर्सेज समझाए हैं कि कहाँ से डाटा कितने टाइप का होता है, और उसके अंदर हमारे सोर्सेज क्या हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। आई होप आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं आपका आंसर देने की पूरी पूरी ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।